खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ऐसी डिशेस बताऊंगा, कुछ ऐसी रेसिपीज बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल हैं। वैसे भी मैं मुश्किल रेसिपीज आपको बताता ही नहीं। वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुश्किल रेसिपीज मुझे भी खुद नहीं आती। जी हाँ, आसान रेसिपी बनाने का मतलब है जितनी आसान रेसिपी होगी उतनी ही आप आसानी से उसको बनाएंगे और उतनी ही आसानी से लोग उसको खाएंगे और उसका मजा लेंगे। और आज की शुरुआत करते हैं एक चाइनीज रेसिपी से। बहुत ही सिंपल है, सूप है, ये है स्वीट कॉर्न और फिश का सूप। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम बोनलेस फिश, 1 कप स्वीट कॉर्न, 1 बड़ा चम्मच शेरी, नमक स्वादानुसार, 2 छोटे चम्मच तेल, थोड़ा अदरक, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर और 1 छोटा हरा प्याज। इस सूप के लिए सबसे पहले जो अदरक है आप उसको छील लें और उसके बाद उसको बारीक चॉप कर लें। अदरक को छीलने के बाद आप इस तरह से अदरक को काट लें। चाइनीज खाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी तैयारी पहले से, यानी जितनी कटिंग है उसको पहले से तैयार करके रख लें। यह अदरक हमने काट लिया है। इसी तरह से प्याज ले लें आप। प्याज के हरे पत्तियां अलग हम लेंगे और बाकी प्याज को हम चॉप करेंगे। प्याज को भी बारीक चॉप करना है। जो हरा प्याज है उसको हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी जो उसकी पत्तियां हैं उसको गार्निश के लिए, और प्याज को सूप में डालेंगे हम। ये प्याज सूप के लिए तैयार हो गया और गार्निश के लिए इसकी हरी पत्तियां जो हैं उसको भी बारीक काटेंगे हम। इस तरह से गोल गोल आप काट लें इनको। और इसके बाद आप फिश ले लें, कोई भी बोनलेस फिश आप ले लें, आप गोल ले सकते हैं, बेकटी ले सकते हैं। और इस फिश के हमने छोटे छोटे पीसेस करने हैं। फिश को ज्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं काटना हमने। फिश को लेके इस तरह से हम काट लेंगे। फिश को क्यूब साइज में हमने काटना है। ये देखिए इस इनको इस पीसेज में, क्योंकि ये सूप है इसलिए फिश के ज्यादा बड़े पीसेज नहीं होने चाहिए। और अब इसके बाद एक कढ़ाई के अंदर आप तेल ले लें, थोड़ा सा तेल हमने लेना है। तेल जब गर्म हो जाए तब इसके बाद इसमें अदरक डालें। यदि आपको अदरक का स्वाद ज्यादा अच्छा नहीं लगता तो अदरक कम इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे अदरक काफी पसंद है तो इसलिए मैं ज्यादा क्वांटिटी में अदरक का इस्तेमाल करता हूं। और अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज, जो हरा प्याज था उसे हमने चॉप किया था, और इसको भी अदरक के साथ हल्का सा भूनना है हमने। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे शेरी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी राइस फाइन भी डाल सकते हैं। और इस प्याज और अदरक को इसके साथ रिड्यूस करें और इसके साथ इसमें डाल दें ये जो फिश के पीसेस हैं उनको। और ये सब आप तेज आंच पे करें। और अब इसके बाद आप चाहें तो इसमें फिश स्टॉक डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर पानी डालें। पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न इसमें डाल के मिक्स कर लें। इसमें स्वीट कॉर्न हमने डाला है और अब इसमें हम डालेंगे सीजनिंग यानी नमक। जब तक इसके अंदर उबाला है तब तक हम थोड़ा कॉर्नफ्लावर घोल लेते हैं पानी के अंदर, क्योंकि इसे हमने थोड़ा थिक करना है सूप को। पानी के अंदर कॉर्नफ्लावर घोल लें
जब इसके अंदर उबाला आना शुरू हो जाए तो कॉर्नफ्लावर जो हमने पानी के अंदर घोला था उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ साथ इसको आप चलाते रहें, हिलाते रहें। अब ये जो सूप है गाढ़ा होना शुरू हो गया है क्योंकि इसमें हमने कॉर्न स्टार्च डाली यानी कॉर्नफ्लावर को डाला है और साथ साथ जो फिश के पीसेस हैं वो भी पक गए हैं। जब भी आप इस सूप को हिलाएं तो इसको हल्के हाथ से हिलाएं ताकि जो फिश के पीसेस हैं वो टूटे नहीं। अब ये सूप गाढ़ा भी हो गया है, फिश भी पक गई है, बाकी सारे टेस्ट आ गए हैं। अब इसमें कसर रह गई है सिर्फ गार्निश देने की, तो इसको हम गार्निश करते हैं हरे प्याज की पत्तियों से। तो लीजिए, आनंद लीजिए इस फिश और स्वीट कॉर्न के सूप का। फिश और स्वीट कॉर्न के सूप के बाद अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जिसमें भी कॉर्न है, लेकिन इस बार स्वीट कॉर्न नहीं है, इस बार है बेबी कॉर्न, और बेबी कॉर्न के साथ है ब्रोकली और गाजर। तो देखिए, स्टर फ्राइड कैरेट्स, बेबी कॉर्न एंड ब्रोकली। इसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज्ड गाजर, 100 ग्राम बेबी कॉर्न, 200 ग्राम ब्रोकली, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, नमक स्वादानुसार, चुटकी भर अजीनोमोटो यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 सूखी हुई लाल मिर्चें, 2 बड़े चम्मच तेल, 6 से 8 गार्लिक के क्लव्स, 1 बड़ा चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर। जैसे कि हमेशा से मैं आपको बताता हूँ कि चाइनीज खाने में 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि खाने को खाना पकाने से पहले तैयार करना, यानी जितनी कटिंग है उसको पहले से करके रखना, यानी जितनी चीज़ें पहले तैयार करके आप रख लें, उसके बाद उसकी कटिंग कर लें और उसके बाद शुरू करें पकाना। तो पहले शुरुआत करेंगे कटिंग से। सबसे पहले जो गाजर है उसको आप फैंसी शेप में काट सकते हैं, या आप चाहें तो उसको थोड़े थोड़े स्लाइसिस के अंदर काट सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ खाना दिखने में खूबसूरत होना चाहिए, इसलिए फैंसी शेप में काटना ज़रूरी है। आप इसको इस तरह से स्लाइस कर सकते हैं, ज़्यादा मोटे पीसेस नहीं हमें गाजर के चाहिए। और जो लहसुन है यानी गार्लिक, उसको छील के उसको इस तरह से लंबा लंबा काटना है हमने। और अब तैयारी करेंगे ब्रोकली की। ब्रोकली वैसे तो होती कॉलीफ्लावर जैसी है, लेकिन रंग में ज़रा गाढ़ी होती है, गाढ़े हरे रंग की होती है। ये जो कॉलीफ्लावर जैसी दिखने में सब्जी है यानी ब्रोकली है, उसके फ्लारेट्स आप काट लें इस तरह से, ज्यादा बड़े फ्लारेट्स नहीं चाहिए हमें। इसको फ्लारेट्स में काटने के बाद इसको पानी में अच्छी तरह से खंगाल लें ताकि उसके अंदर कोई मिट्टी बिल्कुल नहीं रहे। इसको भी पानी में ही रहने देते हैं। और उसके बाद तैयारी करेंगे बेबी कॉर्न की। ये बेबी कॉर्न आप ले लें, बेबी कॉर्न यदि आप फ्रोजन ले रहे हैं तो उसको थॉ कर लें, और यदि आप टिन वाला ले रहे हैं तो कैन खोल के उसका पानी जो है उसको फेंक दें और अच्छी तरह से उसको धो लें, क्योंकि कैन में जो बेबी कॉर्न आते हैं उसमें थोड़ा नमकीन टेस्ट होता है, उसको अच्छी तरह से धो लें। और यदि आप फ्रेश बेबी कॉर्न ले रहे हैं तो उसको पानी के साथ करीब 20 मिनट तक पकाएं, तभी वो गलेंगे, और उसके बाद पानी उसका निकाल लें। और उसके बाद बेबी कॉर्न को इस तरह से लंबा लंबा काट लें। अब हमने गाजर काट ली,
गार्लिक काट लिया, बेबी कॉर्न काट ली, ब्रोकली काट लिया, अब काटने को रह गया थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च काटने के लिए इसको भी थोड़ा सा शेप में हम काटते हैं। आप कैंची से काटें तो बहुत आसानी से कटेगा। आप लाल मिर्च लेके उसको इस तरह से एंगल पे काटें, ये देखिए ऐसे काटें, थोड़ा लंबा लंबा इस तरह से लाल मिर्च को काटें, सूखी हुई लाल मिर्च। अब ये जो सब्जियां हैं इनको थोड़ा सा पकाना है हमने। एक बर्तन के अंदर पानी गर्म करेंगे और ये जो गाजर है पहले गाजर को थोड़ा सा पका लेते हैं। वैसे तो हमने गाजर बहुत पतली पतली काटी है, स्लाइस की है, लेकिन थोड़ा सा इसको पकाना है क्योंकि ये डिश है एकदम स्टर फ्राइड, इसमें पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब तक ये गाजर पकती है तब तक बाकी की तैयारी हम कर लेते हैं। कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर जो है उसको पानी में घोल लेते हैं। ये सिर्फ हमने ग्लेज के लिए यूज़ करना है। कॉर्नफ्लावर को ठंडे पानी के अंदर घोल लें। अब ये जो गाजर है ये पक गई है, ज़्यादा नहीं पकाना, इसको पानी में से हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा रंग इस गाजर का है। और ये गाजर हम रख लेते हैं और गर्म पानी के अंदर ये जो ब्रोकली के फ्लारेट्स हैं उसको हम डालेंगे और इसके साथ इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें आप। और ये ब्रोकली के पीसेस को बहुत थोड़ा सा हमने पकाना है। आप चाहें तो इनको स्टीम भी कर सकते हैं, यानी किसी जाली को रख सकते हैं, उसके ऊपर ब्रोकली रख के नीचे से स्टीम दें उसको, क्योंकि ब्रोकली बहुत जल्दी पक जाती है। इसलिए ख्याल रखना चाहिए कि जब आप उसको गर्म पानी के अंदर पका रहे हैं तो साथ में खड़े रहें, ध्यान रखें कि ब्रोकली ज्यादा नहीं गल जाए। और जब आप ब्रोकली पानी के अंदर डालें साथ में एक बोल में ठंडा पानी आप तैयार रखें, यानी आइस्ड वाटर, पानी के अंदर बर्फ डाल के रखें। और उसके बाद अब देखिए ये जो इसका रंग है कितना अच्छा हरा हो गया, इसे अब हम निकाल लेंगे। और इसका ये हरा रंग बरकरार रखने के लिए इसको रिफ्रेश करें ठंडे पानी के अंदर, वो पानी जिसके अंदर बर्फ डली हुई है या बर्फ वाला पानी। अब जब ये सब सब्जियां तैयार हो गई हैं, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ हमने इसको करना है स्टर फ्राई। उसके लिए एक कढ़ाई में एक वॉक में तेल ले लें आप, और जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब इसके अंदर ये गार्लिक डालें। देखिए खूब सारा गार्लिक है, ये गार्लिक डालें और इसके साथ डालें ये कटी हुई लाल मिर्च। ये दोनों चीज डाल के इसको थोड़ा सा हिलाना है हमने और हल्का सा इसको पकाने के बाद इसके अंदर डालें ये जो पहले से काट के हमने सामान रखा हुआ है, बेबी कॉर्न, गाजर, दोनों चीज़ों को मिला लें। और इसके बाद इसमें डालें ये ब्रोकली। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये तीनों जो रंग हैं कितने अच्छे हैं। इसमें हम सीजनिंग डालेंगे, नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस, थोड़ी चीनी इसमें डालेंगे हम, और इसके ऊपर थोड़ा अजीनोमोटो यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और जो हमने कॉर्नफ्लावर घोला था पानी के अंदर ये डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आप इन सब चीज़ों को मिला लें। आप देखेंगे जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे कॉर्नफ्लावर गाढ़ा हो जाएगा और ये सब्जियां आपस में थोड़ी सी बाइंड हो जाएंगी। कॉर्नफ्लावर पक जाए उसके बाद इसमें डालें विनेगर और एक बार फिर से इसको हिला दें और इसके बाद इसको बिल्कुल ना पकाएं, क्योंकि जितना आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये सब्जियां जो हैं ढीली पड़ती जाएंगी,
फिर मजा नहीं आएगा इस ब्रोकली, बेबी कॉर्न और कैरेट की स्टर फ्राइड करी हुई सब्जी का। ब्रोकली, बेबी कॉर्न और गाजर की सब्जी के बाद, जी हाँ, ये जो हमने अभी डिश देखी थी, इसमें तीनों चीज़ें इतनी अच्छे कलर थे, इतने बढ़िया रंग थे उसके, तो मैंने सोचा कि इसके साथ कुछ ऐसी डिश बननी चाहिए जो उसके साथ कंबाइन हो सके। तो देखते हैं, राइस विद मशरूम, जी हाँ, ऐसे चावल जिसमें हमने जिंजर का फ्लेवर दिया है और टेस्ट दिया है मशरूम का। तो देखिए, जिंजर राइस विद मशरूम, इसके लिए हमें चाहिए 2 कप चावल, 1 कप मशरूम स्लाइस किए हुए, 2 हरे प्याज की पत्तियां, 2 बड़े चम्मच स्लाइस्ड अदरक, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 3 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, 1/2 छोटा चम्मच मोनोसोडियम ग्लूटामेट, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 2 बड़े चम्मच तेल। जिंजर राइस के लिए सबसे पहले आप चावल तैयार कर लें। चावल लेके आप उसको भिगा लें करीब 1/2 घंटे तक, और उसके बाद खूब सारे पानी के अंदर उसको बॉईल कर लें। लेकिन बॉईल करने के लिए ध्यान रखें कि पानी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, और जो चावल है वो पूरी तरह से नहीं गलना चाहिए, यानी थोड़ी सी कसर उसके अंदर रहनी चाहिए। और इस चावल को आप छान लें, इसमें से जितना पानी है वो निकाल लें, और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, चाइनीज खाने के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है, तैयारी हम कर लेते हैं, यानी मशरूम को स्लाइस कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके लिए फ्रेश मशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप इसके लिए टिन मशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लैक मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयस्टर मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइड मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मशरूम आपके पास हो आप उसका इस्तेमाल कर लें। जो मशरूम है उसको स्लाइस कर लें आप, मशरूम अभी जैसे ही स्लाइस हो जाएंगे उसके बाद हम अदरक स्लाइस करेंगे। अदरक को आप छील लें, और छीलने के बाद उसको हमने बारीक पतला पतला स्लाइस करना है, जितना पतला आप स्लाइस कर सकते हैं उतना पतला आप स्लाइस करें। और थोड़ी सी तैयारी और, यानी जो प्याज की पत्तियां हैं उसको हम काट लेते हैं, और ये तैयारी हो गई हमारी, यानी जितनी कटिंग थी वो सब हो गई। और अब एक कढ़ाई के अंदर तेल ले लें, जितनी कुकिंग होती है चाइनीज वो ज़्यादातर कढ़ाई के अंदर होती है, वोक के अंदर। और जब ये तेल गर्म हो जाए उसके बाद इसके अंदर ये अदरक डालें, अदरक जिसे हमने स्लाइस किया है उसको इसके अंदर डालेंगे, और इसको हमने थोड़ा सा हिलाना है, थोड़ा सा भूनना है। और अब इसके बाद इसमें मशरूम डालें, मशरूम को भी हमने सौते करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं पकाना मशरूम को भी, क्योंकि मशरूम को यदि आप ज़्यादा पकाएंगे तो ये मशरूम पानी छोड़ देंगे। और अब इसके अंदर डालें वाइट पेपर पाउडर, सोया सॉस, टमाटो केचप। टमाटो केचप डालने से
एक तो इस राइस के अंदर थोड़ा सा रंग आएगा, थोड़ा सा लाल रंग आएगा और थोड़ी सी मिठास और टमाटर का टेस्ट। साथ में इसमें डालें नमक और मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे अजीनोमोटो के नाम से ज्यादा जाना जाता है। और अब तेज आंच पर इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है हमने, और जब ये थोड़ा रिड्यूस हो जाए तो ये जो चावल हमने तैयार किए हैं उसको इसके अंदर डालेंगे। और इस चावल को इसके साथ मिक्स कर लें। अब भी जो आंच है ये तेज ही रहनी चाहिए। और इसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें थोड़ा सा रंग देना है और थोड़ा फ्लेवर देना है हरे प्याज की पत्तियों का। तो लीजिए, ये तैयार हो गए जिंजर राइस। आनंद लीजिए इतने जल्दी से बने हुए चावल का, जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। आशा है कि आज की रेसिपीज आपको बहुत पसंद आई होंगी। यदि नहीं आई तो भी हमें लिख के भेजिए और अपनी खास रेसिपीज हमें लिख के भेजिए, ताकि उनमें से चुन के हम आपको दिखा सकें मेरे हाथ से आपकी रेसिपीज बनी हुई। तो अपनी रेसिपीज, अपने सुझाव हमें इस पते पर लिखें। लिज्जत खाना खजाना, सी टेलीफिल्म लिमिटेड, पीओ बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, भारत TVC।